हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 18 पेस्ट की सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज प्लांट को डैमेज करती है, प्लस कैसे डैमेज करती है, और फाइनली कंट्रोल्स भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस एक पेज की क्लासिफिकेशन से, मतलब एक पेज की प्रेजेंटेशन से, हम जनरल वे में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएं तो हम दो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शुगर केन लीफ ओपर के बारे में। तो जीनस रहता है इसका पायरेला परप्यूसेला, शुगर केन वाइट फ्लाई एल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस, शुगर केन टॉप बोरर सिरपोफेगा निवेला, शुगर केन रूट बोरर एमिलोसेरा डिप्रेसेला, गुर्दास्पर बोरर बिसेटिया स्टेनलिसिस। इसको याद कैसे किया है? शुगर केन लीफ ओपर इसका तो कॉमन है, पायरेला परप्यूसेला हमें लर्न करना पड़ेगा, शुगर केन वाइट फ्लाई एल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस ये भी लर्न करना है, शुगर केन टॉप बोरर टॉप में है मतलब सिर पे चढ़ के नाच रहा है सिरपोफेगा, और सिर पे चढ़ के नाच रहा है इसलिए वेला हो गया है तो निवेला, सिरपोफेगा निवेला। ठीक है, शुगर केन रूट बोरर रूट में है, डिप्रेशन में चला गया है, इमेलोसेरा डिप्रेसेला, डिप्रेसेला डिप्रेशन, गुर्दास्परा बोरर बिसेटिया स्टेलेंसिस। ठीक है, पिंक बॉलवॉर्म पैक्टिनोफोरा गोसीपेला, गोसीपियम हमारी कॉटन का नेम होता है। ठीक है, तो वहाँ से वर्ड आ गया गोसीपेला। रेड कॉटन बग डिस्कर्ट डिस्कस्ट डिस्टर्कस सिंगुलेटस, रेड रेड मीन्स क्या? गुस्सा, गुस्से में इंसान क्या होता है? डिस्कस्टिंग हो जाता है, इसलिए डिस्टर्कस सिंगुलेटस। ठीक है, और कॉटन ग्रे विविल माइलोसीरस अंडेसिम पस्टुलेटस, रेड कॉटन जेसिट, कॉटन जैसे आम रस का देवास्थान, देव जी दोस्तान, मतलब वो श्री गणेशा को बोलते हैं ना देवास्थान, आम रस का देवास्थान। वीट स्टेम बोरर सिजेमिया इन्फरेंस, ठीक है, वीट स्टेम बोरर सिजेमिया इन्फरेंस, राइस ग्रास होपर हीरोग्लाइपस बनान। ठीक है, राइस स्टेम बोरर सिरपोफेगा इंसर्टूला। ठीक है, राइस हिस्पा डाइसलेडिस्पा आर्मीगेरा, हिस्पा से आ गया डाइसलेडिस्पा आर्मीगेरा। ठीक है, गंदी बग लेप्टोगराइजा एक्यूटा। ठीक है, रेड पम्पकिन बीटल रेफिडोपल्पा फेविकॉलिस। ठीक है, और पम्पकिन फ्रूट फ्लाई डेकस कुकरबिटे, डेकस कुकरबिटे, वेजिटेबल माइट टेट्रानिकस टिलेरियस। ठीक है, हार्डा बीटल एपिलेक्ना विजिंटो पंटाटा, वी आई जी आई एन टी आई ओ सी टी ओ पी यू एन सी टी ए टी ए, विजिंटो पंटाटा। ठीक है, तो ये स्पीशीज़ और जीनस के नेम तो लर्न ही करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम इसकी क्लासेस के बारे में बात करें तो इन 18 की सभी की क्लास इंसेक्ट है एक्सेप्ट वन, टिट्रेनिकस टिलेरियस की, वेजिटेबल माइट की, उसकी क्या है? एकरिनिडा। ठीक है, ए आर ए सी टी एन आई डी ए, एकरिनिडा। ठीक है, अब अगर हम इसके ऑर्डर्स के बारे में बात करें तो ऑर्डर्स में देखो जितने भी बीटल्स विविल और राइस हिस्पा है, तो ये टोटल 4 हैं, 2 बीटल्स हैं इसमें और एक विविल है, उसकी जो फैमिली रहेगी, ऑर्डर रहेगा सॉरी, वो होगा कॉलियोप्टेरा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, देखो बीटल्स फाइंड करो, यहाँ से बीटल कोई विविल मिल जाए या राइस हिस्पा, देखो विविल। ठीक है, माइलोसीरस अंडेसिम पास्टुलेटस, ये कौन है? कॉलियोप्टेरा। ठीक है, विविल एक ही था, बीटल 2 हैं और राइजिस्पा। ठीक है, राइजिस्पा कॉलियोप्टेरा। ठीक है, बीटल्स में रेड पम्पकिन बीटल कॉलियोप्टेरा, हड्डा बीटल कॉलियोप्टेरा। ठीक है, ऐसे ही डेकस कुकरबिटे की अगर हम बात करें, जो पम्पकिन फ्रूट फ्लाई है, डी से डेकस, डी से डिप्टेरा। ठीक है, तो डेकस कुकरबिटे डिप्टेरा। ठीक है, और बोरर हो कोई वॉर्म हो तो वो लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करेंगे। इस चार्ट में 6 हैं जो लेपिडोप्टेरा से हैं, बोरर और वॉर्म्स। देखो एक तो 4 यही मिल जाते हैं, ये बोरर, ये बोरर, ये वॉर्म और ये बोरर, तो 3 बोरर एक वॉर्म। यहाँ पे देखते हैं लेपिडोप्टेरा 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 लेपिडोप्टेरा। ठीक है, 2 और हैं जो बोरर या वॉर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे राइस स्टेम बोरर है, लेपिडोप्टेरा से है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बोरर है, वीट स्टेम बोरर लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। ठीक है, हीरोग्लाइपस बनान राइस ग्रास होपर हमारा ऑर्थोप्टेरा से बिलोंग करता है, राइस ग्रास होपर हीरोग्लाइपस बनान, देखो यहाँ पे ऑर्थोप्टेरा से बिलोंग करता है। वेजिटेबल माइट टेट्रेनिकस टिलेरियस, ये एकरिना से बिलोंग करता है, टेट्रेनिकस
एकेरिना, और इसकी जो हमने क्लास पढ़ी है वो भी एकेरनीडा है, बाकी सबकी क्लास क्या है? इंसेक्टा। ठीक है, बाकी जितने भी बचे, कोई बग बची है या अदर जो भी बची हैं, वो कहाँ पे आएंगे? हेमिप्टेरा में आएंगे। ऐसे पांच होंगे, हेमिप्टेरा, 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 हेमिप्टेरा एंड हेमिप्टेरा, तो पांच आएंगे जो हेमिप्टेरा से बिलोंग करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है, फैमिलीज भी लर्न ही करनी है, तो इसको एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट है वीट स्टेम बोरर की नॉक्टुलिडा, शुगर केन लीफ ओपर फल्ग्यूरिडे। ठीक है, एक यहाँ से पिंक बॉल बॉम की कर लेना, ग्लेचिडे। ठीक है, इसकी याद हो जाती है कोटन जेसिड की, जेसिडे नाम से ये जेसिड, जेसिडे। ठीक है, यहाँ से एल्यूरोलोबस से एल्यूरिडिडे। ठीक है, और बाकी तुम देख लेना। ठीक है, टेट्रेनिकस से टेट्रेनिचिडे है। ठीक है, तो ये कुछ मेन थी, बाकी जो है वो करने को सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब जैसे हमें इनके अगर ऑर्डर्स लर्न हो गए हैं, तो हमें ये भी आराम से लर्न हो सकता है कि इन 18 में से कौन सी स्टेज जो है वो डैमेज करती है। जैसे कॉलियोप्टेरा की जो स्टेज डैमेज करती है वो एडल्ट और ग्रब की करती है। ठीक है, डिप्टेरा में एडल्ट प्लस मैगोट, ये एक ही है जिसमें मैगोट स्टेज बनती है। ठीक है, वो डैमेज करती है। बोरर और वॉर्म की अगर हम बात करें, तो इसमें कैटरपिलर स्टेज डैमेज करती है, हीरोग्लाइपस बनान की ऑर्थोप्टेरा से जो बिलोंग करता है वो, उसमें एडल्ट प्लस निम्फ रहती है। टेट्रेनिकस टिलेरियस में भी एडल्ट प्लस निम्फ है, और हेमिप्टेरा से बिलोंग करने वाले जो हैं उनमें भी क्या है, एडल्ट प्लस निम्फ है। एक है एल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस जो हमने सेकेंड नंबर पर पढ़ा है, जिसमें हमने हेमिप्टेरा में रखा है शुगर केन वाइट फ्लाई को, लेकिन इसकी सिर्फ निम्फ स्टेज ही क्या करती है, डैमेज करती है। ठीक है, तो ये सारे एकदम लर्न हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम कर लेते हैं कि कौन सी किसकी स्टेज डैमेज करती है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं। तो देखो, शुगर केन लीफ ओपर की अगर हम बात करें, तो लीफ वर्ड है, तो लीफ को क्या करता है, लीफ पे अटैक करता है। लीफ में सेल सैप को जो है वो लेता है, और 35% यील्ड को क्या करता है, ये डैमेज करता है। वाइट फ्लाई की अगर हम बात करें, तो ये भी लीफ पे ही फीडिंग करता है, सेल सैप फीड करता है। जुलाई से नवंबर के मंथ में ये ज़्यादा डैमेज कर्ज करता है। टॉप बोरर की अगर हम बात करें, टॉप वर्ड है, तो ये क्या करता है, टॉप शूट पे अटैक करता है, या फिर ग्रोइंग रूट्स, ग्रोइंग बड्स पे और लीव्स पे अटैक करता है। ठीक है, रूट बोरर की अगर हम बात करें, तो वो स्टेम जो सॉइल के बिलो है उस पे अटैक करता है, इससे 10% यील्ड जो है वो रिड्यूस होती है। गुर्दा स्पर बोरर जो है ये क्या करता है, टॉप पार्ट ऑफ स्टेम को जो है वो डैमेज करता है। ठीक है, और इसे 25-60% जो है वो यील्ड रिड्यूस होती है। तो अगर हम इनमें ये याद रख लें कि कहाँ पे, मतलब देखो अभी पीछे वाली चार्ट में हमने ये पढ़ लिया है इसकी कौन सी स्टेज डैमेज करती है, एक पॉइंट उसका हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि कौन से पार्ट के, मतलब प्लांट पार्ट कौन सा डैमेज हो रहा है, ये लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि यील्ड जो है वो ग्रेटली रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, और अगर याद रह जाए तो कितने परसेंट यील्ड रिड्यूस हो रही है या किस मंथ में हो रही है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। कॉटन की अगर हम बात करें, तो पिंक वॉलवर्म एक्टिनोफोरा गोसी पहला, इसमें शूट पे जो कॉटन के जितने भी हैं वो सारे बॉल पे तो अटैक करते हैं, कॉटन बॉल पे। इसके अलावा पिंक वॉलवर्म कॉटन बॉल, फ्लावर, बर्ड और सीड पे अटैक करता है। रेड कॉटन बग जो होती है डिस्डर्गस सिंगुलेटस, वो बॉल पे अटैक करती है या फिर सेल के सैप पे अटैक करती है। कॉटन ग्रे वीविल जो होती है माइलोसीरस अंडेसिम पस्टुलेटस, वो रूट बोरर पे अटैक, रूट पे अटैक करती है या स्टेम को बोर करती है, लीफ पे फ्लावर की बॉल्स पे अटैक करती है, 25% यील्ड रिड्यूस रहती है। कॉटन जेसिड की अगर हम बात करें, आमरस का, देवास्थान, ठीक है, तो उसमें जो है वो सेल सैप जो है वो अफेक्टेड रहती है, लीफ और बॉल अटैक रहती है, 24-40% जो है वो डैमेज रहता है। एक कॉटन जेसिड क्या करता है, प्लांट में एक टॉक्सिक इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इनमें कुछ ना भी याद रहे, एटलीस्ट इतना तो याद रह सकता है कि बॉल पे अटैक होता है, कौन सी स्टेज डैमेज करती है वो हम याद रख सकते हैं, और यील्ड ग्रेटली रिड्यूस। वीट स्टेम बोरर की अगर हम बात करें, तो ये यंग स्टेम पे अटैक करता है और डेडली हार्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब जो स्टेम है जो से अंदर से खोखला कर देता है और डेड हार्ट प्रोड्यूस करता है, हार्ट शेप हो जाती है। दो हैं जिसमें हार्ट शेप प्रोड्यूस होते हैं, डेड हार्ट प्रोड्यूस होते हैं, एक तो है पैडी का राइस स्टेम बोरर, ठीक है, जो स्टेम और फ्लावर पे खाता है, डेड हार्ट प्रोड्यूस करता है। एक है वीट, यंग स्टेम पे ईट करता है और डेड हार्ट प्रोड्यूस करता है। पैडी की अगर हम बात करें, तो इसमें राइस गंदी बग आती है। ठीक है, गंदी बग क्या करती है, सेल सैप मतलब खा लेती है, यंग ग्रेन से खा लेती है, 40% यील्ड रिड्यूस करती है। ठीक है, राइस ग्रास ऊपर क्या करता है, ग्रास, ग्रास मीन्स लीफ। इसके अलावा एक ही है इसमें जिसमें हम टेंडर शूट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 50% यील्ड रिड्यूस होती है।
राइस स्टेम बोरर जो है वो स्टेम और फ्लावर को खाता है, डेड हार्ट प्रोड्यूस करता है, राइस हिस्पा डाइज डिस्पार्मिगेरा वो लीफ खाता है और ग्रीन मैटर लीफ का खाता है, ठीक है, 21% जो यील्ड रिड्यूस होती है। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स में रेड पम्पकिन बीटल है वो फोलिएज पे अफेक्ट करता है, बर्ड फ्लावर पे अटैक करता है, एडल्ट जो है हमें पता है इसका एडल्ट और ग्रब स्टेज जो है वो डैमेज करती है, बीटल है ना, ठीक है, तो एडल्ट फोलिएज करता है, बर्ड या फिर मतलब लीव्स बर्ड या फिर फ्लावर खाएगा, ग्रब जो होगा वो रूट खाएगा या फिर यंग अंडरग्राउंड स्टेम खा सकता है या फिर फ्रूट में बोर कर जाता है। पम्पकिन बीटल की अगर हम बात करें तो वो राइप फ्रूट खाता है और 50% जो है वो ईल्ड रिड्यूस रहती है, ठीक है, और वेजिटेबल माइट की अगर हम बात करें तो ये ईल्ड लीफ खाता है, ठीक है, वेजिटेबल माइट टेट्रेनिकस टिलेरियस इसी की क्लास जो है वो डिफरेंट है एक्रीना, ठीक है, और हाडा बीटल जो है वो लीव्स पे खाता है, ठीक है। इन सभी में हम एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कौन सी स्टेज डैमेज करती है, दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कौन सा प्लांट पार्ट डैमेज हो रहा है, तीसरा पार्ट हम ये लिख सकते हैं कि ईल्ड जो है वो हाईली रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि मतलब कैसे जो है मतलब कंट्रोल क्या है, तो कंट्रोल में मोस्ट कॉमन है 8 पॉइंट हम लिख सकते हैं कि हम एग्स को कलेक्ट करें, ठीक है, और उन्हें मैन्युअली हाथ से ही किल कर दें। दूसरा अगर क्रॉप है, क्रॉप को हम क्या कर सकते हैं 5% BHC से बेंजीन हेक्साक्लोराइड के सॉल्यूशन से हम डस्ट कर सकते हैं या फिर 0.07% एंडोसल्फेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा रेसिस्टेंट वेराइटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लोड को फील्ड को डीपली प्लो करो ताकि अगर उसमें कोई इनएक्टिव स्टेज या हाइबरनेशन में गया कोई कैटरपिलर है या एग्स वगैरह प्रेजेंट हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, रेटून क्रॉप्स अवॉइड कर दो, ठीक है, और मैनुअली जो है वो हम इंसेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक पॉइंट बनता है, ठीक है, और रोटेशन ऑफ क्रॉप हम कर सकते हैं। रोटेशन ऑफ क्रॉप से क्या होता है कि जो प्लांट की जो इम्यूनिटी पावर होती है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है, और मतलब वाइल्ड प्लांट्स अगर आसपास आ गए हैं तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं डैमेज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जनरल जो हम सभी में ही लिख सकते हैं कंट्रोल में, तो इस चार्ट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन लिख सकते हैं, कौन सी स्टेज डैमेज कर रही है ये भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ हम इस चार्ट के बैक साइड से हम अपना सेकेंड क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम डैमेज लिख सकते हैं, कंट्रोल के 8 पॉइंट तुम्हें बता दिए, ठीक है, तो ये एक जनरली हमारे 2 क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट करवा सकता है, जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया उनके लिए बहुत अच्छा है, मार्क्स इजीली गेट कर सकता है। थैंक यू।